स्टूडेंट्स माइशल काशिश्मिता प्रधान टुडे वी रीड स्टैंडर्ड 6 हिंदी ग्रामर। हाँ तो दिखेंगे हम ऑलरेडी जो क्या है कि संधि विच्छेद के बारे में पढ़ चुके हैं। दिन नेक्स्ट हम आज चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में है उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है ना, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, उसके बारे में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो हमारे क्या होती है कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। हम तो ऑलरेडी शब्द के बारे में उनके चेंजेस कैसे कर सकते हैं हम उनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। तो आज पढ़ेंगे सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है कि नहीं। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और उत्पन्न शब्द अर्थात बनाए गए शब्द। देन उसके बाद देखो हम मूल शब्द, एक शब्द मूल जो मतलब जैसे कि खाना, हाँ मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे पुत्र, पुत्र के आगे हम लगा सकते हैं कुछ वर्ड लगा सकते हैं, कुछ लेटर लगा सकते हैं, तो उसमें से क्या हो जाएगा कि वो परिवर्तन हो जाती है कि नहीं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देंगे चैप्टर 5 उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग किसको कहेंगे कि पहले पढ़ेंगे हम उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग किसको कहेंगे, है कि नहीं। जो वाला शब्द मैं बोले थी कि मूल शब्द से कुछ वर्ड कुछ लेटर उसमें लग जाती है कि नहीं, उसकी वजह से उसमें परिवर्तन आ जाती है, परिवर्तन चेंजेस होती है कि नहीं। हाँ तो देखेंगे मूल शब्द से पहले लगने वाले शब्द संघ को हम क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं उपसर्ग, है कि नहीं। उपसर्ग का मतलब मूल शब्द के जो मूल शब्द होगा उनके पहले जो शब्दांश लगेगा हम उसको कहेंगे उपसर्ग। देन प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब है मूल शब्द के बाद जो लगेगा, हाँ मूल शब्द के पहले जो लगेगा उसको बोलेंगे उपसर्ग, मूल शब्द के बाद जो लगेगा जो भी होगा हम उसको कह सकते हैं प्रत्यय कह सकते हैं, है कि नहीं। पर दिखते हैं कुछ एग्जांपल्स दिखते हैं। देखो यहाँ पे उपसर्ग का एग्जांपल कुछ देते हैं और देन प्रत्यय का कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि सु लगा के, है कि नहीं, सु आगे लगा देंगे ये एक हो जाएगा क्या है कि ये एक उपसर्ग है, जैसे कि पुत्र, हाँ पुत्र में क्या लग जाएगा आगे लग जाएगा, आगे लग जाएगा सु लग जाएगा, ये हो जाएगा सुपुत्र, ये भी एक वर्ड है कि नहीं, उसका मीनिंग फिर लिख करना चाहिए, है कि नहीं, कि अपने मर्जी से जो आएगा लिख सकते हो उनके आगे, नहीं उनकी मीनिंग फिर होना चाहिए, है कि नहीं, मीनिंगफुल होना चाहिए तभी जाके वो होगा ना, हाँ। देन ओ लगा देंगे, उनके आगे ओ लगा देने से क्या हो जाएगा कि वो अलग सा वर्ड हो जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ओ लगाएंगे, हाँ ओ लगाने से कैसे चेंज होता है, जैसे कि ज्ञान, उनके विपरीत अर्थ हो जाएगा वो, है कि नहीं, उसके आगे क्या लग जाएगा कि अ लग जाएगा, ऑलरेडी हम अ का यूजेस पढ़ चुके होंगे, नहीं जैसे कि ज्ञान था उसमें उनके पहले में मैं लगा ली अ लगा ली, तो ये हो जाएगा अज्ञान, हो गया कंप्लीटेड। देन और एक प्रत्यय लगा के, हाँ प्रत्यय में कुछ एग्जाम्पल देंगे, प्रत्यय का कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि आई, प्रत्यय का मतलब क्या होगा कि मतलब जो मूल शब्द के बाद लगेगा, है कि नहीं। तो मूल शब्द जैसे कि पढ़, पढ़ के बाद क्या लग जाएगा कि आई लग जाएगा, इसमें हो जाएगा पढ़ा ई, है कि नहीं, ये वाला था मूल शब्द पढ़ था उसके साथ आई जुड़ गया वो हो जाएगा पढ़ाई। और एक एग्जांपल जैसे कि ता लगा के, हाँ ये भी एक प्रत्यय होगा उनके बाद लगेगा, हाँ जैसे कि सुंदर, सुंदर के बाद क्या लगेगा कि ता लगेगा, क्योंकि उसके बाद लगेगा ना, मूल शब्द के बाद जुड़ने वाला शब्द को जो वाक्यांश जोड़ता है हम उसको क्या कह सकते हैं, ये प्रत्यय कह सकते हैं, मतलब सुंदर के बाद लग के जाएगा ता लग जाएगा, ये हो जाएगा सुंदरता, हो गया कि नहीं, और न्यू वर्ड हो गया कि नहीं। देन ऐसे प्रति लगा के आगे प्रति लगाएंगे, मतलब उपसर्ग में, जैसे कि कुल, कुल के आगे प्रति लग जाएगा प्रतिकूल हो जाएगा। देन रूप, रूप के आगे प्रति लग जाएगा प्रतिरूप हो जाएगा, जैसे कि कु, कु आगे लगेगा, हाँ मतलब हम यूज करेंगे किसको के, हम यूज करेंगे उपसर्ग को, मतलब जैसे कि कर्म,
कर्म में हम क्या लगाएंगे कि कर्म में नहीं, जैसे कि मार्ग में, मार्ग एक है हाँ, तो मार्ग के आगे हम कु लगा देंगे, कुमार्ग हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है। तो उपसर्ग जो शब्द मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है वह उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग हम किसको कहेंगे, जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाती है कि नहीं, हम उसको क्या कहेंगे कि उसको हम कह सकते हैं उपसर्ग कह सकते हैं, है कि नहीं। हिंदी में प्रयुक्त तो हो रहे हैं उपसर्ग को चार वर्ग में बांटा गया है, चार प्रकार के, है कि नहीं। हमारे जो उपसर्ग जो प्रत्यय मतलब जो प्रयुक्त तो हो रही है, जितने सारे यूटिलाइज हमारे हो रही है हिंदी में, तो उसको चार में, चार वर्गों में बांटा गया है। तो उनके नाम पढ़ते हैं, जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग, देन नंबर टू में हिंदी के उपसर्ग, नंबर थ्री में अरबी फारसी के उपसर्ग, नंबर फोर में उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय शब्द, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे उपसर्ग के क्या है कि डिविजन, है कि नहीं। तो दिखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखते हैं। पहले नंबर वन में फोर टाइप्स हैं, हाँ। नंबर वन में गया क्या, संस्कृत, संस्कृत के उपसर्ग। देखो संस्कृत के उपसर्ग क्या होगा कि जैसे कि दिया गया उपसर्ग अर्थ और उनके उदाहरण पहले लिखेंगे, उपसर्ग में जाएगा संस्कृत में, जैसे कि अ लगाएंगे हाँ, उनमें से अर्थ हो जाएगा क्या है कि भाव का अभाव, ठीक है नहीं। आगे लग गया उपसर्ग, अ लग गए उनके आगे, हो गया कि नहीं। देन उसमें से और एक एग्जांपल, जैसे कि अज्ञान उनके उदाहरण हाँ, अज्ञान होगा और क्या होगा कि अधर्म होगा, अन्याय होगा, ये सारे के सारे और लगा के। देन ऑन लगा के, ऑन लगा के जैसे कि अभाव हाँ, अभाव का मतलब है उनके अर्थ हाँ, ऑन का मतलब अभाव, अभाव क्या मतलब है जैसे कि उनके उदाहरण देखेंगे हाँ। फॉर एग्जांपल ऑन लगा के, ऑन हो जाएगा अभाव में मतलब उनके अर्थ में हाँ। फॉर एग्जांपल क्या होगा कि वो होगा अनादर, ये लग गया क्या, उसके आगे लग गया अन लग गया, ठीक है नहीं। उनके आगे क्या लग गया, अन लग गया, तो हो जाएगा अनादर। जैसे कि अति, अति का मतलब क्या है कि अति का अर्थ है अधिक हाँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक, ये सारे के सारे उनके एग्जांपल जाएगा, ठीक है नहीं। ऐसे अनु लगा के, अनु का मतलब क्या है कि अनु का मतलब पीछे हाँ, तो अनु का मतलब जो पीछे है उनके अर्थ है, उसमें से लगा के शब्द होगा अनुरूप, अनुक्रम, अनुवाद, ये सारे के सारे अनु लगा के हम क्या कर सकते हैं कि एग्जांपल्स दे सकते हैं। देन अधि, अधि का मतलब क्या है, अधिकतम, ठीक है नहीं। अधिकतम में क्या जाएगा, अधिकार, अधिसंख्य, ये सारे के सारे जाएगा हाँ। देन नेक्स्ट अप, अप का मतलब है बुरा, बुरा चीज जो है वहां पे वो लगाते हैं, अप लगाते हैं, जैसे कि अपयश, अपमान, अपशकुन, है कि नहीं, अपशकुन ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो ये सारे के सारे बुरा चीज है उनके अर्थ में लगता है। देन अत, अत मतलब ऊपर, है कि नहीं, उत्कर्ष, उत्कर्ष नहीं, ऐसे डिफरेंट एग्जांपल। देन दूर लगा के, दूर का मतलब भी क्या जाएगा कि जितने सारे बुरा चीज है हाँ, कु मतलब भी बुरा है, उसको लेके तो आप बना सकते हो, जैसे कि दूरदीन, दूर लगा के होगा दुर्गम, ऐसे है कि नहीं। कु लगा के होगा, कु का मतलब भी बुरा, मतलब कुपुत्र, ऐसे होता है कि नहीं, ऐसे हम। देन नेक्स्ट नंबर टू में था हिंदी के उपसर्ग, है कि नहीं। हम संस्कृत के उपसर्ग के बारे में पढ़ लिए, अभी पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। नंबर टू में आएगा हिंदी के उपसर्ग। तो दिखते हैं हिंदी के उपसर्ग में क्या किया जा रहे हैं। जैसे कि अ लगा के, अ का मतलब है निषेध अर्थ में लगेगा, ठीक है नहीं, जहां पे मना होती है जो चीज में हाँ, उनका अर्थ जो, जैसे कि अछूत, अनाम,
देन अभागा, ठीक है, वहां पे लगे सका। देन देखो उनके एग्जाम्पल होगा अ लगा के, हाँ अ का मतलब क्या होगा कि उधर होगा निषेध, निषेध या अभाव जिसको बोलते हैं, ठीक है नहीं। उसमें से जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिखेंगे अभागा, अ लगा के हो गया भागा अभागा, हो गया कि नहीं, जहां पे निषेध होता है। देन ऑन लगा के बिना, उनके बिना जैसे, है कि नहीं, जैसे कि अनपढ़, अनजान, अनमोल, ये सारे के सारे ऑन लगा के हो गया, एग्जाम्पल दिख दिए। देन अध लगा के, अध का मतलब आधा, हाफ जो है, हाँ जैसे कि अध पका, आधा लिखा, देन अध मरा, ये सारे के सारे मतलब आधा जो मरा हुआ होता उसको बोलते हैं अध मरा, ठीक है नहीं, ऐसे हम बोल सकते हैं। देन ली लगा के, नी के बिना, मतलब के बिना, उनके बिना नहीं, जैसे कि नीडर, निकम्मा, है कि नहीं, ऐसे एग्जाम्पल उनके। देन तो नेक्स्ट हम क्या है कि उसके और एक एग्जाम्पल, जैसे कि ऑन लगा के, हाँ ऑन का मतलब है के बिना, के बिना, जैसे कि ऑन लगा के पढ़, जो पढ़ा नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, अनपढ़, ऐसे लिखा जाता है कि नहीं, हो गया हमारे जो हिंदी के उपसर्ग हो गया, संस्कृत के उपसर्ग हो गया। देन अभी पढ़ेंगे अरबी फारसी के उपसर्ग, है कि नहीं। देन नंबर थ्री, नंबर थ्री में दिखेंगे क्या है कि नंबर थ्री में अरबी फारसी के उपसर्ग हो जाएगा, अरबी और क्या है कि फारसी के उपसर्ग, हाँ तो ये वन टाइप ऑफ उपसर्ग है, जैसे कि अल लगा के मतलब निश्चित, निश्चित अर्थ में, है कि नहीं। देन तो जैसे कि अलविदा, अलबता, ये सारे के सारे हो जाएगा किसमें, उसके एग्जाम्पल होगा अल लगा के, हाँ अल लगा के उनके अर्थ है क्या है कि उनके अर्थ है निश्चित, निश्चित होगा। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे कि उनके एक एग्जाम्पल होगा अलविदा, अलविदा, ठीक है नहीं, अल लगा कि नहीं, उनके पहले वाला जुड़ेगा ना, इसीलिए अल उसमें लग गया। देन गैर, गैर का मतलब है अलग, उसके अलग से नहीं, जैसे कि क्या होगा कि जैसे गैर मर्द, ठीक है नहीं, देन गैर हाजिर, ये सारे के सारे उनके एग्जाम्पल। देन ना लगा के, ना का मतलब नहीं, हाँ आगे में क्या लगेगा कि ना लगेगा, जैसे कि पसंद का, उनके आगे ना लग जाएगा, क्या हो जाएगा, ना पसंद हो जाएगा, है कि नहीं। देन बा, बा का मतलब है सहित, हाँ जैसे कि आगे में लगेगा बा, मतलब ये होगा बाका यदा, देन बा अदब, ऐसे ये सारे के सारे उनके एग्जाम्पल। ला लगा के, ला का मतलब क्या होगा कि बिना, जैसे कि लाई लच, लाज, लाजवाब, लाचार, ये सारे के सारे, ठीक है नहीं, ये सारे के सारे ला अर्थ में लगेगी, ठीक है नहीं, उनके आगे में लगेगी, ये सारे के सारे, जैसे कि हम, और एक एग्जाम्पल है हम लगा के, जैसे कि वो सम्मान में, हाँ समान, समान अर्थ में जो जहां पे होता है उस टाइम में हम लगाते हैं आगे में, जैसे कि हम उम्र, हम उम्र होगा नहीं, इसके आगे में ये वाला प्रत्यय लग गया, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है कि अरबी फारसी के उपसर्ग वाला। लास्ट वाला नंबर फोर में उपसर्ग के तरह प्रयुक्त अव्यय शब्द, है कि नहीं, नंबर फोर, नंबर फोर में है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय शब्द, तो उनके एग्जाम्पल हम दिखेंगे कौन सा वाला जाएगा। हाँ जैसे कि अधः का मतलब क्या होता है कि नीचे होती, आगे में अधः लगा देंगे, है कि नहीं, जैसे कि अधः पतन, अधोगति, ये सारे के सारे उनके एग्जाम्पल जाएगा, जैसे कि अधः, अधः का मतलब क्या है कि नीचे, हाँ उसको लगा के एक एग्जाम्पल, जैसे कि अधः, अधः पतन,
हो जाएगा अधःपतन, उनके एग्जाम्पल में गया। देन अंतः, अंतः का मतलब के बीच में, नहीं अंतःकरण जैसे लिखते हैं, नहीं। और एक एग्जाम्पल होगा अंतरात्मा, ये भी होगा, है कि नहीं। देन और एक एग्जाम्पल जैसे कि चीर, चीर का मतलब क्या है कि चीर का मतलब है बहुत देर तक, बहुत देर तक, उन पर ये यूज होता है। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देंगे चिरायु, और एक होगा चिरकाल, ये सारे के सारे हमारे आगे चीर लग गया, है कि नहीं। हो गया, उपसर्ग के बारे में हम पढ़ लिए, तो डिफरेंट यूजेस के बारे में हम थोड़ा सा केयरफुली देखना, उपसर्ग लगाने से वो कैसे उनमें परिवर्तन होता है, ठीक है। मतलब उसको बोल सकते हैं प्रीफिक्स, जो आगे में जुड़ने वाला शब्दांश को, एक मूल शब्द से आगे में जुड़ने वाला शब्द को, क्योंकि उसमें बहुत सारे लग प्रत्यय लग मतलब लग सकती है उनके आगे, है कि नहीं। बहुत सारे शब्दांश जैसे कि अनु, अधि, आप, आ, अत, ये सारे के सारे, है कि नहीं। आप थोड़ा सा केयरफुली उसको पढ़ लेना, है कि नहीं।